गाइस MIUI 14 की जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो निकल कर सामने आए हैं जिनकी आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यार इस लिस्ट में रेडमी K20, K20 प्रो, रेडमी नोट 8 प्रो इवन यहाँ पर सारे ही मॉडल्स मिलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको रजिस्ट्रेशन लाइव करके दिखाऊंगा भाई किस तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे MIUI 14 का जो अपडेट है वो सबसे पहले आप अपने डिवाइस में ले सकते हैं। हालाँकि बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं, रेडमी K20 प्रो है, उसके साथ ही और भी मॉडल्स हैं जिनको यहाँ पर बोला कि अपडेट नहीं मिलेगा, लेकिन भैया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुके हैं, अगर रजिस्टर करना है तो कर सकते हो सकता है कि अपडेट भी मिले। तो जो भी इंफॉर्मेशन है आती रही तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम दोनों ही जगह, सिंपली आपको यहाँ पर लिंक पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर ग्लोबल यूजर्स और इंडियन यूजर्स और पोको यूजर्स के लिए जो लिंक है वो आ चुके हैं। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से अप्लाई करना, सारा प्रोसेस इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यार ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए भाई चैनल पर, अगर पहली बार आएँ आगे भी MIUI 14 के वीडियोज़ देखना चाहते हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए गाइस मैं आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि भाई आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो भाई यहाँ पर मैं एक लिंक दे रहा हूँ इंडियन यूजर्स के लिए, मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं अपने रेडमी नोट 11 में जो है रजिस्टर करने वाला हूँ, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना, ये वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं MI टेस्ट रिक्रूटमेंट फॉर द MIUI इंडिया स्टेबल रूम। तो यहाँ पर जो MIUI 14 के स्टेबल अपडेट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्लिक कर लेना है। एग्री एंड स्टार्ट पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये जो पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जिस तरीके से मैं ये फिल कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको सेम करना है। तो यहाँ पर हमें यस पे क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर से हमें यस पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन अगेन यस पे क्लिक करके फिर से नेक्स्ट पे हमें क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप मतलब 18 ईयर ओल्ड हो या फिर नहीं, तो हम 18 ईयर ओल्ड हैं, यहाँ पर यस कर देंगे। और आपको भी यही करना है वरना ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है IEMI का जो नंबर है पूछा जाता है, तो आपको यस करके नेक्स्ट पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है बीटा टेस्टर वगैरह के बारे में, तो इस पर भी आई एग्री केयरफुली जो है वो कर देना है, इस पर यस कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर बोला जाए कि आपका डाटा का जो है इरेज हो सकता है, बैकअप ले लेना, तो इस पर भी यस करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ऊपर वाले भी टेस्टर के लिए जो है बक्स वगैरह जो आते हैं, फीडबैक वगैरह, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो यस करके यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देना है। देन यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करने के लिए MIID वगैरह चाहिए होगी, उसके लिए भी यहाँ पर फिल करके मतलब यस वाले पे फिल करके यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ऑफिशियल तरीके से मिलेगा कि भाई कौन कौन से डिवाइसेस के लिए यहाँ पर जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट है। तो पहले हम MI डिवाइसेस के बारे में देखते हैं, तो इसमें देखेंगे Xiaomi 12 Pro है, और यहाँ पर Xiaomi Pad 5 है, और यहाँ पर Xiaomi 11i Hyperchar जो कि भाई इंडिया में मिलता है, और यहाँ पर Xiaomi 11T Pro, और यहाँ पर Xiaomi 11 Lite NE, और उसके साथ ही यहाँ पर 11X 11X Pro है, अल्ट्रा है, MI 10 वगैरह, ये MI 20 Pro सब मिल जाते हैं। और उसके बाद हम बात करें भाई Redmi डिवाइसेस जो कि भाई इंडिया में ऑफिशियल तरीके से मिलते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर Redmi 11 है, और Redmi Pad मिल जाता है, Redmi 11 Prime मिल जाता है, K50i जो कि इंडिया में आ चुका है, Redmi Note 11 Pro, और यहाँ पर Redmi Note 11 Pro Plus 5G, Redmi Note 11 जो कि हम इसमें अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, और यहाँ पर ये दूसरा मॉडल है Redmi Note 11 का, और यहाँ पर Redmi Note 10 Pro और Max भी आपको मिलता है, Redmi 10 मिलता है, Redmi 10 Prime मिलता है, Redmi Note 10 SB मिल जाता है, अगर आपके पास है रजिस्ट्रेशन कर लो, सेम प्रोसेस है, Redmi Note 10 भी मिलता है, Redmi 10 है, और यहाँ पर Redmi K20 और Redmi K20 Pro भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे Redmi 9, उसके साथ Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, ये सारे मॉडल्स मिलते हैं, Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 8, और इसके साथ आप देखेंगे Redmi Note 8 Pro भी इस लिस्ट में आपको देखने को मिल जाता है। तो भैया रजिस्ट्रेशन आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल आप देखेंगे Redmi K20 Pro, और यहाँ पर Redmi Note 8 Pro भी आपको मिलता है। अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन Xiaomi ने नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया तो एक बार आप इसको फिल कर लो, अगर अपडेट मिल रहा होगा तो मिल जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर Redmi Note 11 में जो है रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, आप सारे ही फोन्स में सेम इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। तो फिलहाल हमने इस पर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद हमें आप हमारी जो यहाँ पर MIID है वो फिल करना होगी। तो MIID कहाँ मिलती है, सेटिंग में चले जाओ, उसके बाद यहाँ पर MI अकाउंट में चले जाओ, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो है MIID ये वाली है, तो Xiaomi की आप देखेंगे Xiaomi अकाउंट ID ये वाली आपको यहाँ से ले लेना। तो फिलहाल मैंने इसको कॉपी कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको फिल कर देता हूँ, आराम से फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हो चुका, अब हमें आप क्या यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर आपको आपके जो फ़ोन का स्लॉट 1 यानी कि जो पहला स्लॉट होता है SIM 1 का जो IMEI नंबर है वो डालना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डायलर में हमें जाना है, आप यहाँ से डायलर में कुछ इस तरीके से चले जाइए, आपका ये जो पहला वाला स्लॉट ऊपर वाला है इस पर आपको क्लिक करके ये वाली जो ID है मतलब ये जो नंबर है ये आपको वहाँ पर फिल कर देना है। तो हमने अपना जो MIID है वो यहाँ पर डाल दिया, यानी कि जो EMI नंबर है वो डाल दिया, उसके बाद हमें नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर आर यू श्योर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा, तो यस पे हमें क्लिक करना है, देन हमें यहाँ पर नेक्स्ट
कर देना। तो देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द क्लोज बीटा यूजर परमिशन, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बेट फॉर अप्रूवल, थैंक यू। तो यहाँ पर जो एक लिस्ट वगैरह आएंगी, रिलीज की जाएंगी, इसमें आपका यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली यहाँ से हो चुका है, अब आप यहाँ से MIUI 14 के लिए बीटा टेस्टर बन चुके हैं। और सेम इसी प्रोसेस से आपको यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो, रेडमी नोट 10, रेडमी नोट 10s वगैरह के बारे में भी यहाँ पर कर लेना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और आप MIUI 14 सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स उसको शेयर करें, भाई चैनल पर अगर पहली बार है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी MIUI 14 के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।